नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज दिल्ली एनसीआर के एक बहुत ही अहम सेक्शन के बारे में बात करूंगा जो कि गाजियाबाद से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर के बहुत ज्यादा मेरे को कमेंट आते थे कि इस रूट पर स्पीड कब बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रेनों की संख्या भी हो गई है और स्पीड भी नहीं बढ़ रही है और आउटर पर ट्रेनों को काफी खड़ा रहना पड़ता है। ये सेक्शन है गाजियाबाद मुरादाबाद सेक्शन जो कि 141 किलोमीटर का है। आज के वक्त में यहाँ सुपरफास्ट ट्रेनें भी 2 से 2.5 घंटा लेती हैं इस दूरी को तय करने में, और नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेनें 3 घंटे से भी ऊपर कई बार ले लेती हैं। यहां पर आउटर पर ट्रेनों को बहुत ज्यादा खड़ा होना पड़ रहा है, और दिल्ली से ईस्ट की तरफ आप समझ सकते हैं कि बिहार की तरफ जो ट्रेनें हैं वो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली ट्रेनें यहां से गुजरती हैं, तो उनकी स्पीड एकदम कछुए जैसी हो जाती है गाजियाबाद से मुरादाबाद के बीच में। और यहाँ पर सिर्फ 2 रेलवे ट्रैक ही मौजूद हैं। स्पीड बढ़ाना भी रेलवे चाहता है, लेकिन तब भी यहाँ पर कंजेशन इतना ज्यादा हो गया है कि वो भी काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और स्थिति तब ज्यादा बुरी हो जाती है जब गर्मी आती है, और पीक सीजन में गर्मियों की यहाँ पर जब ट्रेनों में ज्यादा भीड़ भी होती है, उस वक्त ट्रेनों की संख्या भी और बढ़ जाती है, क्योंकि समर स्पेशल ट्रेनें भी यहाँ पे चलती हैं बिहार के लिए और जो हमारा ईस्ट पूरा पार्ट है वहाँ के लिए। तो ऐसे में ये ट्रैक झेल नहीं पा रहे हैं अब इतना ट्रैफिक, और रेलवे ने आखिरकार सोच लिया है कि वो यहाँ पर 3rd और 4th लाइनें बिछाने वाले हैं। और इसके लिए बहुत जल्द यहाँ पर सर्वे जो शुरू होना था उसके लिए अच्छी न्यूज आ चुकी है। सेक्शन इंजीनियर पीके पांडे जी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो सर्वे होना है इस लाइन का वो शुरू हो चुका है, कंपनी को काम मिल चुका है और बहुत जल्द ये सर्वे की रिपोर्ट सामने होगी। और उनका ये भी मानना है कि अक्टूबर नवंबर में इसी साल ट्रैक का काम शुरू हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसी ट्रैक के नजदीक में रहते हैं जो हमारा गाजियाबाद से मुरादाबाद के बीच में है, आप जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यहाँ पर गुंजाइश है 3rd और 4th लाइन की। दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर दिल्ली से ईस्ट की तरफ और हावड़ा साइड जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो कानपुर सेंट्रल होके भी जाती हैं, लेकिन इसके लिए भी उनको गाजियाबाद के थ्रू ही कानपुर सेंट्रल जाना पड़ता है वाया अलीगढ़ होते हुए। उस लाइन पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और साथ में जो ट्रेनों की स्पीड है वो काफी बढ़ चुकी है। यहां पर ध्यान दिया गया था कि गाजियाबाद से अलीगढ़ तक जो लाइन है उसको ट्रिपल कर दिया गया, और यहां पर क्वाड्रपलिंग भी हो रखी है जो कि 2021 में एक फैसला लिया गया था, जो कि गाजियाबाद से दादरी वाया छिपियाना होते हुए लाइन जा रही है वो क्वाड्रपल हो चुकी है। तो यहां पर तो काफी ध्यान दिया गया, लेकिन जो मुरादाबाद गाजियाबाद सेक्शन है उसमें बहुत ही ज्यादा कम ध्यान दिया गया। और इस सेक्शन में आपको बता दूं गाजियाबाद भी एक बड़ा जंक्शन है और मुरादाबाद भी एक बहुत बड़ा जंक्शन है। अब देखिए मुरादाबाद से तो काफी ज्यादा ट्रेनें कई कई डायरेक्शन से गुजरती हैं, जैसे कि मुरादाबाद से बरेली लखनऊ लाइन जा रही है, और उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर की ट्रेनें भी सहारनपुर रुड़की लक्सर होते हुए मुरादाबाद पहुंचती हैं, और ऐसे ही काठगोदाम और रानीखेत जैसी जगहों के लिए भी मुरादाबाद से ही ट्रेनें जाती हैं। तो यहाँ पर ट्रेनों का जो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा जाल फैला हुआ है, मतलब कई डायरेक्शंस में ट्रेन जा रही हैं और कई सारे स्टेट्स की इंपॉर्टेंट ट्रेन से ही है, तो गाजियाबाद और मुरादाबाद सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके लिए क्वाड्रपलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो अभी एक अच्छी खबर इसको मान के चलते हैं, देखते हैं सर्वे रिपोर्ट कब तक सामने आती है और इसी साल काम शुरू होता है कि नहीं होता। आप लोग अगर रेल फैंस इस रूट के नज़दीक रहते हैं जरूर से आप बताना आपको क्या लगता है यहाँ पर 4th रेलवे लाइन जो होगी वो बिछ पाएगी, इतनी जगह अभी वहाँ पर मौजूद है। मिलते हैं दूसरी किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।